We are so worrying about them. Last night my mom and my family, all family was crying, just crying. 6 दिन पहले बात हुई थी, 6 दिन से हो गए बात नहीं चल रहा उनके साथ, बंद है सब चीज। क्योंकि उधर का कनेक्शन सारी बंद है, इंटरनेट में ब्लॉक है, किसी इंटरनेट यूज नहीं कर सकते, इसीलिए। अफगानिस्तान अभी तालिबान के कब्जे में है और अफगानिस्तान से बहुत सारे लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे देश छोड़ के बाहर आए। और इसी वक्त मैं अभी यहाँ पे हूँ दिल्ली में, अफगानिस्तान एम्बेसी के बाहर में, जहाँ पे कुछ रिश्तेदार जिनके रिश्तेदार अफगानिस्तान में हैं वो आए हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अपने रिश्तेदारों को, अपने रिलेटिव्स को अफगानिस्तान से इस वक्त निकाले। एक्चुअली रिश्तेदार जो है मेरा फैमिली उधर ही है, मेरा फादर, मदर, अंकल सब उधर ही है। हम उसी के हालात में परेशान है कि वो कैसे चल रहे हैं, वो लोग इंडिया आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। एक्चुअली उधर वो एम्बेसी भी बंद है, हमारा एक चिंता उधर ही पहले ये है कि तालिबान पकड़ लिया है, फिर वो लोग आ नहीं सकते इधर। मैं तो एम्बेसी आया जी, हमारे रिश्तेदार जो है अफगानिस्तान में फंस गए हैं। कितने रिश्तेदार हैं आपके अफगानिस्तान में? बहुत है, बहुत ज़्यादा सारे रिश्तेदार, आंटी है, चाचा है, मामा है, दादा है, सब उधर ही है, सब उधर ही है। कहाँ पे है अफगानिस्तान? हेरात। हेरात में। तो क्या प्रयास किया आपने, कोशिश किया उनको बाहर निकालने में, और क्या सफलता मिली? आपका सक्सेस मिला? हमने किया, बात किया, कह रहे भाई साहब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते जी। सबसे ज़्यादा क्या ख्याल आता है आपको कि अभी तालिबान यहाँ पे आ गई है, आपको क्या लगता है कि उसके आने से पहले जैसे हालात थे वैसे, आप क्या डर क्या है आपके मन में अपने फैमिली के लिए? डर तो यही है जी, हमारा जो 26 साल पहले जो आज़ादी हुआ, तो फिर हमने गया वापस उस टाइम 26 साल वापस पहुँच गए, तो हालात ज़्यादा ख़राब होते रहते हैं। अभी तो एक दिन हो गया काबुल को भी कब्जा किया उन्होंने, ये तो बोलते रहते हैं काम किसी को काम ही नहीं है, माफ़ है, ये वो है, ये सारे झूठ है, सारे झूठ। आप 5-6 दिन, 1 महीने, 2 महीने बाद पता लग जाता है कि तालिबान क्या करता है लोगों के साथ। Have you been in touch with them? Have you been able to speak to them? And what is the situation right now? What to do? What conversation did you have with them? I think they say that nowadays, I mean now is the situation is fine. They didn't do anything Taliban, but we know them from before. They will start. But now they let the all organization like United Nations or any other country to accept their government. When their government accepted by them, they will start fighting everything. Are your relatives, your sister and your sister's family, are they trying to come out? Yeah, they problems. Are trying. What are the problems that they're facing? Are they not getting flights? Yes. I will add these things. My aunt has flight for tomorrow, Air India. But we just get information that Air India. Airspace is closed. Yes, it is closed. Just it has 3 flight. But I don't know, my aunt is still there. अभी आप यहाँ पे आए हैं, आपने यहाँ पे क्या कोशिश की, यहाँ पे क्या बोला उन्होंने? एक्चुअली अंदर में खूब बात नहीं हुआ क्योंकि सब बिजी है, सब बात करने का रेडी नहीं है। हम जो वेट कर रहे हैं कैसे होगा कैसे नहीं होगा, क्योंकि मेरा कोई इधर हमारे बच्चे के लिए तस्करा, वो आईडेंटिटी थी, वो पासपोर्ट लेने वाले थे, वो भी हम बंद है, बोलते हमारे को किसी पासपोर्ट नहीं मिलते, ये भी नहीं मिलता क्योंकि गवर्नमेंट भी मालूम नहीं है कौन गवर्नमेंट आएगा, जमहूरियत आएगा या तालिबान का इमारत आएगा। What is your, what has your experience been and what do you think the future for women specifically is going to be in Afghanistan which is controlled now by Taliban? I thought they will not allow women to do anything. Just they say that Islam is like this. Actually I'm also Muslim and I respect all religion. I say Islam never say like this that women not allowed to do continue education, women not allowed to work. They say women allowed to work, but in a some rules. But Taliban say no, women completely avoid from education. 2001 में पापा को रात 9:30 रात मेरे सामने उनको 2 गोली मारा था, वो शहीद हो गई। तो हमने 2013 में, उस टाइम मैं छोटा था, तो मैंने उधर अपने देश को छोड़ के भाग गया, इधर आया। तो उन्होंने मेरे पीछे को नहीं छोड़ा था, यहाँ भी 2 बार अटैक हुआ है मेरा, यहाँ पेट मेरा इतना चीरा है अभी, यहाँ पे जी। यहाँ किन्होंने किया? वो बंदा भेजा था उधर से, तालिबान ने बंदा भेजा था कि इसको वहाँ ख़त्म कर ला, यहाँ चीरा है मेरा इतना।
Actually, now when we came here, before I was MBBS student in Afghanistan, but the situations forced us to leave everything and came here, cause there was my mom was threatened by Taliban, and we can live was there. She threatened? Was she associated with the government or yeah, was she doing cause, something? Yeah, cause my mom was a civil activist, and she was a lawyer, and also she works for women rights, like for education rights, work rights, job rights. That's why they threatened my mom's to discontinue her works. That's why we left everything, because my mom didn't like afraid of his life, but she was afraid of our life. आपको क्या डर है सबसे ज़्यादा तालिबान के आने से? सिर्फ अपने family members के लिए नहीं, लेकिन अपने पूरे अफगानिस्तान को डर है भाई. जितना ही develop हुआ था, सब develop बंद होती है. यानी वापस वो terrorist का area वापस बनती है. पाकिस्तान का जितना terrorist को support करते थे, फिर अभी वापस आज़ाद होती है. वो हम वही भी डर है क्योंकि हमारा अफगानिस्तान 20 साल से आगे थे, फिर वापस 20 साल वापस पीछे चला जाएगा. इस गर्ल्स में स्कूल नहीं जा सकते थे, कॉलेज में बंद हो गया है. 10 दिन पहले जो मैंने बात किया था, मेरा सिस्टर बोला था कि उन्होंने कॉलेज लड़की को कॉलेज का बंद किया है. बस बोला है लड़की को कोई स्कूल कॉलेज जाना नहीं है. Yeah, so many of our relatives live there. Even my sister, my elder sister, who married there. Yes, who married there with her husband family. She lived there. We are so worrying about them. Last night, my mom and my family, all family was crying, just crying because. तो वो अभी किस हालात में है वहाँ पे? आपकी बात हुई है कब? लास्ट बात हुई थी आपके रिलेटिव से, माता पिता से? 10 दिन पहले बात हुआ था, लेकिन क्योंकि उधर का कनेक्शन सारी बंद है, इंटरनेट में ब्लॉक है, किसी इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते इसीलिए. लेकिन वो लोग हमारे पीछे काम को पकड़ने में, ख़त्म करने में, इसीलिए हम वापस नहीं जा सकते. हम उम्मीद भी नहीं है कि अफगानिस्तान वह पुराना अफगानिस्तान बन जाए जब ये लोग तालिबानी आए. वेल, रिलेटिव्स ऑफ दोज स्ट्रैंडेड इन अफगानिस्तान से दैट दे हैव गॉट नो हेल्प फ्रॉम द अफगान एम्बेसी हियर इन न्यू दिल्ली. The building itself bears a desolate look. The only thing one can see over here is the Afghan flag fluttering high, and a lot of security personnel, as you can see behind me, stationed over here, probably in anticipation of something that could happen. But no official word from the embassy over here. Probably the officials here are as uncertain as those in Afghanistan as to what exactly the future of the war-torn country holds.